आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाई जाती है, जिससे आज हम बनाएंगे आलू का छिलका से हेयर टोनर। आइए जानते हैं क्या है वो तरीका। लेकिन गाइस, जैसे हमारे हेल्थ बेनिफिशियल के लिए होता है पोटैटो, और पोटैटो का छिलका हम कई बार फेंक देते हैं, लेकिन आप इसका प्रयोग करेंगे तो बालों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। चलिए जानते हैं एक न्यू हेयर टोनर बनाने का तरीका। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिएगा पोटैटो का छिलका। आलू का प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है इस होम रेमेडी बनाने के लिए। तो ये देखिए, आलू का छिलका मैं यहाँ पे निकाल लिया है। आलू के कई सारे फायदे हैं, लेकिन आलू की तरह इसमें भी पोषक तत्व तो पाई जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है। आलू हमारे स्किन की सुंदरता बढ़ाती है। तो बनाने के लिए अप्रोक्स 1 कप पानी लिया है, और इसमें ये आलू का छिलका ऐड करना है। सो गाइस, इससे मैं उबाल लिया है। अब इसे बताती हूँ यूज करने का सही तरीका, कैसे यूज करना है। तो इस हेयर टोनर को यूज करने के लिए आपको लेना है कॉटन, या फिर इस तरह से आप रुई ले सकते हैं, और इस तरीके से इसे डुबोकर अपने सिर की त्वचा पे लगाना है, या फिर स्प्रे बॉटल से इसे स्प्रे कर सकते हैं हेयर पे। लेकिन ये कॉटन से सिर की त्वचा पे लगाने से डैंड्रफ्स की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम तो बिल्कुल दूर होता है। साथ ही रूखा सूखा बाल को सिल्की और शाइनिंग बनाने का इजी और आसान तरीका इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।